वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल में इस टाइम आपको एक से दो क्वेश्चन हमेशा सियोर ही पूछे जा रहे हैं, और यही इस टॉपिक की खासियत है कि वो 100% ये टॉपिक बनता है अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो तो। इस वीडियो में हम देखेंगे राकेश यादव के जो क्लास नोट्स के बुक्स के नोट्स हैं उसके सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट के साथ हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो यह पार्ट वन, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन नंबर 5 के वीडियो सॉल्यूशन। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं एक बार रिपीट कर दूं कि यह ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 100% क्वेश्चन बनते हैं। 100% क्वेश्चन का मतलब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप 100% क्वेश्चन को बना लोगे बहुत ही आसानी से। और बहुत ही इसके एक वे बनाने के नहीं होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस वे से इसको क्वेश्चन को आसानी से बनाते हो। ठीक है, देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले मैं नेचर बता दूं कि इसमें सिर्फ हर जगह आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात की जाएगी। दूसरी चीज़, आपको इसमें आपको स्लोप की बात की जाएगी, कि स्लोप होता क्या है, जैसे स्लोप को एम कहते हैं। थर्ड, आपको पैरेलल लाइन की बात की जाएगी, जिसको हम बोलते हैं समानांतर। ठीक है, समानांतर लाइन, पर हो सकता है परपेंडिकुलर की भी बात की जाए। परपेंडिकुलर मतलब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये लाइन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से आपको हो सकता है दो पॉइंट दिया हो, इन दोनों पॉइंट जैसे एक्स वन कोऑर्डिनेट और वाई वन कोऑर्डिनेट दिया हो, एक्स टू कोऑर्डिनेट और वाई टू कोऑर्डिनेट दिया हो, और इनके बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। मतलब ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको आसानी से क्वेश्चन को बना सको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं इसके बारे में कि बेसिक चीजें क्या हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को पूरे एनालिसिस करके अच्छे से कंप्लीट करेंगे विथ क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन हमारे पास एक जस्ट लाइक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा, 4x + 3y = 12 और 2x + 5y = 10। दो लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। अब आपको दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब लाइन अगर बोले लीनियर लाइन, जो हम बात करेंगे ax + by + c = 0, ये कहलाता है लीनियर लाइन। ठीक है, अगर द्विघातीय समीकरण अगर ये तो कहलाता है लीनियर लाइन। ठीक है, एक होता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं ax² + bx + c = 0, तो = 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन की इस बात नहीं करेंगे, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो बात करेंगे वो सिर्फ ये वाले लीनियर लाइन की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। तो अगर इन दोनों इक्वेशन का हम बोलें कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट लाइक सिंपल दो इक्वेशन, दो अननोन हम जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर देंगे। जैसे देखो इसको सोल्व करने के लिए हम, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज ये करने की जरूरत नहीं। दो से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2y = ये घट के कितना होगा -2, तो y = कितना हो जाएगा। अगर ये बात करें कि y = तो देखो सिंपल है, y = आपको बस कहीं पे आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए ये चीज़ क्या कह रहा है। जैसे देखो अगर y = क्या है आपको पता होना चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, 4x + देखो कहाँ पे, ये चीज़ें आपको मैं थोड़ी सी इरेज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। जैसे हमने गलती कहाँ पे किया वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो ये तो कैंसिल होगा, ये कितना होगा 3y माइनस, और ये देखो दो से मल्टीप्लाई किया ना, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10y = ऊपर क्या है 12 और नीचे कितना हो गया 10 में से 2 गया मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 20। लो हमारा कितना आ गया -7y = -8 आ गया। ठीक है, -8, तो y माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 8/7। अब ये y को किसी एक इक्वेशन में रख लो, या तो इस वाले में रख लो या तो इस वाले में रख लो, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं पहले वाले में रख रहा हूँ 4x + 3y = 12, तो इसमें रख लो 4x + 3 × y की वैल्यू रख लो 8/7 = 12, तो 4x = कितना हो गया 12 − 24/7। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो 4x = कितना हो जाएगा 12 सते
84 माइनस 24 अपॉन 7, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगा आपको 15/7। x की वैल्यू क्या कितना आ जाएगा, 50/7, क्यों, क्योंकि 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/7, तो कितना हो गया 15/7। यानी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मिल गया, एक x की वैल्यू मिल गई और एक y की, यानी कि यहां पे अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट में लिखूं तो x कॉमा y, यानी कि क्या x की वैल्यू कितनी है 15/7 और y की वैल्यू कितनी है 8/7। ये तो जस्ट लाइक आपको मैंने समझाया था। जैसे इसका एक और चीज बताता हूं, इसका मीनिंग मतलब क्या हो गया। जैसे देखो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया इन दोनों को सॉल्व करके फर्स्ट और सेकंड को, कि x कोऑर्डिनेट आ गया 15/7 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 8/7। यानी इसका मतलब क्या है कि दो लाइन हो, एक लाइन कोई एक फर्स्ट वाला लाइन है, हमने इक्वेशन फर्स्ट को लिख दिया, दूसरा लाइन हमने ऐसे बना दिया कि ये सेकेंड लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, यानी कट दोनों एक दूसरे को काट कहाँ पे रहे हैं, तो ये वाला कोऑर्डिनेट है इसका 15/7, 8/7। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपको कि नेक्स्ट क्या है चीज़ें, वो चीज़ मैं बताता हूँ। नेक्स्ट तो देखो, नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर दो चीज़ें दी हुई हो, जैसे हमारे पास लाइन दिया हुआ है a1x plus b1y इज इक्वल टू c1 दिया हो एक लाइन, और दूसरा लाइन क्या दिया हो a2x plus b2y इज इक्वल टू c2। तो इसके कंडीशन क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन कह देगा कभी कि एक अद्वितीय हल, यानी कि वनली वन सॉल्यूशन, जो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वनली वन सॉल्यूशन, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन आपको होगा कि a1 by a2, ये a1 by a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए b1 by b2। और कब एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन किस केस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा, जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कट करे, तो यहां पे एक ही पॉइंट एक सॉल्यूशन मिलेगा, ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन कह सकता है कि कोई हल नहीं होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 तो होगा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। और ये कब होगा नो सॉल्यूशन, जब दो लाइन क्या हो, पैरलर हो। अगर दो लाइन पैरलर हो, कभी एक दूसरे को काट सकती हैं, अनंत पे काटती हैं, यहीं तो आपको प्रॉपर्टी भी होती है, तो ये कब होगा, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरलर हों, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में समानांतर। थर्ड क्या है, अनंत हल होंगे, ठीक है। अब इसका अनंत हल होंगे कि मतलब क्या, इंग्लिश में बोले तो मेनी सॉल्यूशन, मेनू सॉल्यूशन के लिए कंडीशन कब होना चाहिए, कब, जब तीनों के तीनों इक्वल हों, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू क्या c1 by c2, तो मेनी सॉल्यूशन। और मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब एक लाइन है, जैसे दो लाइन हमने यहाँ पे लिखा है, एक लाइन है फर्स्ट लाइन और दूसरा लाइन इसी पे ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। वैसे ये अलजेब्रा का पार्ट है, अगर अलजेब्रा में भी मैंने आपको, अगर अलजेब्रा की वीडियो देखेंगे तो मैंने 43 वीडियो में नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा दोनों को मिक्स करके किया कराया हूँ, वहाँ पे आपको ये कंडीशन भी मिल जाएगी, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे भी समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देता हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास देखो दो एक्सिस होते हैं, एक होता है ये वाला कहलाता है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाला जो कहलाता है ये कहलाता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें भी क्या होता है, इधर वाले साइड को बोलते हैं एक्स और इधर वाले साइड को बोलते हैं एक्स डैश, उसी तरह ऊपर वाले को बोलते हैं वाई और नीचे वाले को कहते हैं वाई डैश। क्यों कहते हैं, और उसमें देखो चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये जो है ना हमारा एक्सिस जिस, ठीक है, इसके चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट के भी आपको क्या बता दूं कि इसमें पॉजिटिव, देखो इस क्वाड्रेंट में आपको हमेशा एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स निगेटिव होता है और वाई क्या होता है पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव होते हैं और इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है निगेटिव। तो ये चीज़ें आपको यहीं इस
डायग्राम में दिखाया गया है, लेकिन मेन आपको मैंने कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी यहाँ पे समझा दिया। और क्यों होता है वो भी चीज़ बता दें। देखो ये वाला पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन में एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इधर ऊपर लो या नीचे लो, एक्स हमेशा क्या है, देखो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। इस वाले पोर्शन की बात किया जाए, ये कोऑर्डिनेट, ये एक्सिस होता है, ये होता है कोऑर्डिनेट इसका जीरो जीरो। ये वाला एक्सिस जो होता है ना, इधर वाला, ये इसमें एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। तो चाहे ऊपर पोर्शन ले लो चाहे नीचे पोर्शन ले लो, दोनों क्या होगा, निगेटिव। ये चीज़ आप समझ लो। उसी तरह ये वाई वाला, यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन वाई एक्सिस होता है, ये जो होता है ये पॉजिटिव वाला होता है। तो चाहे देखो इधर ले लो या इधर ले लो, वाई क्या है, पॉजिटिव। इस वाले सेक्शन में y क्या होता है, निगेटिव। चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, क्या है, दोनों साइड निगेटिव है। तो ये चीज़ें आपको सेंस पकड़नी पड़ेगी, और मैंने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। नेक्स्ट आप देखो, अब आपसे देखो क्वेश्चन, आपके पास थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि हम कैसे भी कोई भी क्वेश्चन हो ना उसको डाइग्राम के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। जैसे हमारे पास एक लाइन दे दिया, लाइन क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, क्वेश्चन नंबर 1 है। करें इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है, मतलब इसका हमें क्या बनाना है, लाइन बनाना है और दिखाना है आपको, एक्सिस पे दिखाना है कि एक्सिस पे कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो देखो जब भी हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 दिया हो, आप टेंथ में भी पढ़ते होंगे ऐसे लाइन में ड्रॉ करने के लिए, डाइग्राम में ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार x को जीरो करते हैं। तो अगर x को जीरो करेंगे, देखो x को जीरो कर दिए तो इधर कितना हो गया, 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करते हैं, एक बार y को जीरो करते हैं, तो y को जीरो करेंगे, अब इस बार y को जीरो करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। यानी हमारा दो पॉइंट, और जब भी हम कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो x कॉमा ही y लिखते हैं, नॉट पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट, पहला वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, x क्या है, 0, y क्या है यहाँ पे, 4। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट, पहले हम x को लिखते हैं ना, तो 3, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, एक्सिस आप देखो, मैं डायग्राम सिखाता हूँ कैसे बनाना। हमारे पास दो एक्सिस है, दो एक्सिस है, एक है एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं आपको, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस की बात किया जाए तो वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है, 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, मतलब कि एक्स कॉमा 0 अगर एक्स एक्सिस का बात किया जाए तो ऐसे बनेगा। वाई एक्सिस की बात की जाए तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, यानी कि अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो 0 कॉमा वाई होगा, ठीक है। तो अब देखो थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कराता हूँ। 0, 4, एक्स में 0 है, 0, और एक्स में 0 देखो यही तो है, 0, 4, 0 एक्स में 0 कौन से लाइन में होता है, एक्स में 0 हमेशा इस लाइन पे, देखो 0, y के फॉर्म में है ना, तो y एक्सिस की तरफ होगा। यानी x, अगर ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों 0, 0 होता है। तो 0 x में 0 और y में 4, यानी यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट, तो 0, 4। उसी तरह x में 3 और y में 0, x में तो 3 है, देखो x में क्या है, पॉजिटिव 3 है, और y में क्या है, 0, तो 3, 0। तो ये वाला जो लाइन हम इन दोनों को मिला के ऐसे डायग्राम खींच रहे हैं, यही लाइन है आपका, कौन सा है, ये वाली लाइन है, कौन सा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि आपको ग्राफ में, डायग्राम में एक्सिस पे दिखाना है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बहुत ही बारीकी से बताया है, बहुत ही मतलब डीप में जाके बताया, इतना हम हर क्वेश्चन में करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि रेखा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस द्वारा बने ट्रेंगिल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमारे पास कोई एक लाइन दी हुई है और उसको कह रहा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस द्वारा बने ट्रेंगिल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इसको हम दो वे से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो हमारे पास दिया होगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एक लाइन है, हमारे पास कह रहा कि एक्स एक्सिस की बात किया जा रहा है, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या, एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 12, तो एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3। अगर हम तो हमारे से कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 3, 0, ठीक है, क्योंकि पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं।
अगर बात किया जाए y एक्सिस, y एक्सिस की बात किया जाए तो y एक्सिस पे क्या होता है x इज इक्वल टू जीरो, अगर x जीरो करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4, यानी कोऑर्डिनेट हमारा मिल किया गया x में पहले 0 है 0,4, y में क्या है 4, हमारे पास वही चीज मिल गया, हमारे पास एक ये एक्सिस है, x में ये होता है क्या 0 0 होता है, x में 3 और y में 0, तो 3,0, ठीक है। फिर कह रहा है कि 0,4 0,4, लो 0,4। अब हमने क्या कर दिया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालो, ट्रायंगल जो बना उसका एरिया निकालो, इसका एरिया। तो देखो ये यहाँ से यहाँ कितने पोजीशन है, यहाँ से यहाँ 3 पोजीशन, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है 4 डिस्टेंस है ऊपर। तो अब देखो एरिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 इंटू हाइट, हाइट कितना होता है 4, तो लो 2 से कैंसिल हो गया, यानी एरिया कितना हो जाएगा 6, एरिया ट्रायंगल का क्या हो गया 6। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसका एक और वे मेथड 2 भी बता देता हूँ, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को बना सको। देखो मेथड 2 क्या है, मेथड 2 ये कह रहा है, मेथड 2 मैं अगेन समझा दूँ कि अगर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 दिया हो, ठीक है। देखो अगर थोड़ा सा मैं बता दूं, कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं दी हुई है, जिसकी दो भुजाएं जो बात किया जाए, दो भुजाएं एक्स एक्सिस, जिसकी टू साइड एक्स एक्सिस पे हो और दूसरा क्या हो वाई एक्सिस पे हो, तो इनसे जो बना एंगल होता है ना, इनसे जो बना ट्रायंगल होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो देखो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो राइट आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बने कोण का क्षेत्रफल, तो आपको पता चल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने, अगर आप ट्रिगो में पढ़े होंगे तो मैंने बताया था, जो बाहर वाला है उसे डिवाइड कर दो हर में, तो 4x बाई 12 प्लस 3y बाई 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 12 बाई 12, हमारा क्या आ गया x बाई, अगर काट दें तो कितना हो जाएगा 3 प्लस, उसी तरह इसको काट दें तो कितना हो जाएगा y बाई 4 इज इक्वल टू 1। और मैंने हमेशा ऐसे चीज़ों को बताया हूँ आपको कि ये जो देखो, अब दोनों में से आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो मैंने इस तरह से हम करते हैं, और आपको ये ट्रिगो में मैं बता चुका हूँ, तो ये किसी भी से इसमें कोई एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और कोई एक बेस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है ये आपको बेस हो और ये क्या हो परपेंडिकुलर हो, इसमें ये मेंशन नहीं है, तो आपको पता ही चल गया एरिया होता कितना है अगर राइट एंगल ट्रायंगल बने, तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट, ठीक है। अब पर तो हाफ इंटू कोई एक ले लो बेस, इसमें से 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, बेस 3 आधार, इसको समझ लो कि एक आपको रियल में क्या होता है बेस हो जाता है। और अगर मैं इसको इरेज करके समझाऊं तो देखो सिंपल सा लॉजिक समझो बस, कि यहाँ पे क्या होता है ये बेस होता है और ये क्या होता है हाइट, या इस कोई एक हो सकता है इनमें से, ये मेंशन है, तो 3 इंटू आप क्या करोगे इसको 3 इंटू 4, तो 2 से कैंसिल कर लो तो एरिया क्या आ गया 6। तो आप मेथड 2 से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा इतना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अगेन मैं दोनों वे से बना सकता हूं, लेकिन देखो मैं दोनों वे से कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट वे से मेथड से मैं बताता हूं 60। मैं एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू 0 करो, y इक्वल टू 0 करोगे तो कितना हो जाएगा y 0 करोगे तो 8x इज इक्वल टू 60, 8x इज इक्वल टू 60, तो x क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 60 बाई 8, अगर मैं करूँ 4 से तो 15 चौके 60, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया 7.5। हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, x कितना है 7.5 कॉमा y कितना है 0। अगर दूसरी बात कर रहा है कि y एक्सिस पे क्या होता है x इज इक्वल टू 0, x 0 रखेंगे तो 6y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 10, यानी यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्स वाई का क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है 10। हम डायग्राम ऐसे बना लें,
हमारा डायग्राम में क्या करा है, एक्स कोऑर्डिनेट 7.5 7.5 7.5 कॉमा 0 7.5 कॉमा 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0.10 0.10 लो। और ये पॉइंट तो आपको पता है दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं वो 0.0 होता है। हमने ये लाइन डायग्राम खींचा, लाइन डायग्राम खींचा, हमें पूछ रहा है क्या एरिया किसका, हमें पूछ रहा है एरिया ये वाले साइड ट्रेंगल का, एरिया त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है। तो ये वाला यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 7.5, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है आपको दिख ही रहा है कि 10, तो आप एरिया निकाल दोगे हाफ इंटू, एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 7.5 इंटू हाइट, हाइट कितना होता है 10, ठीक है तो हाफ कैंसिल कर लो, पाँच बार में हो गया, तो यानी कि ये कर लो पाँच बार में हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपको निकाल लो, तो ये आपको हो जाएगा 37.5, क्योंकि 75 पाँचे कितना होता है 75 पाँचे होता है 375, 375 एक पॉइंट पे दशमलव लो, एक पॉइंट पे डेसिमल, तो डेसिमल ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। मेथड टू से भी करा देता हूँ ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में हम मेथड वन और मेथड टू नहीं, जो मेरे को सुटेबल लगेगा उससे कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको अगेन एक बार करा देता हूँ मेथड टू से भी, ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए। मैंने बताया था अगेन कॉन्सेप्ट कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की जाए तो जो इनसे बना ट्रेंगल होगा वो क्या होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल ठीक है। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट थी। तो देखो हमारे पास 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 60, मैंने बोला था ये जो बाहर वाला है इसे भाग दे दो, तो 8x बाई 60 प्लस 6y बाई 60 इज इक्वल टू 60y 60। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मैंने बताया था आपको, देखो भाग कर लो तो क्या मिलेगा x बाई 15 ठीक, x बाई देखो 2x बाई 15 हो जाएगा ठीक है, क्योंकि क्यों 4 दूनी 8 15 चौके 60, 2x बाई 15 प्लस y बाई 10 इज इक्वल टू क्या 1। हमें चाहिए इस फॉर्म में, तो इस x को नीचे लाऊं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, तो x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 15 बाई 2 प्लस वाई बाई 10 इज इक्वल टू 1, यानी क्या हो जाएगा अगर x भाग कर दूं तो 7.5 प्लस वाई बाई 10 इज इक्वल टू 1। अब हमें बताया था कि एक इसमें से बेस हो जाता है और एक हो जाता है हाइट, तो लो फिर ट्रायंगल निकालेंगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 7.5 इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, तो 2 5 10 यानी कि अगर इसको करूं तो 37.5 इसका क्या हो गया एरिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन आपके पास देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास क्वेश्चन कर रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ दी हुई है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस द्वारा बने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो दोनों लाइन दिया हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, एक लाइन दिया हुआ है फर्स्ट में और दूसरे में दिया हुआ है क्या 8x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या 60, यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है 8x प्लस ठीक है, यहाँ पे कर लेना 6y होगा क्वेश्चन में, अगर क्योंकि जो बुक्स में है उसमें बनाया गया है वो 6y पे बनाया गया है, तो 6 कर लेते हैं 6y, क्यों क्योंकि हमने यही दोनों पॉइंट लिया है। देखो ये वाला जो डायग्राम था तो क्वेश्चन कर रहा है इनसे बने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहाँ से मैंने अगर इसको सोल्व करूँगा, देखो दोनों वे से आप कर सकते हो जो वे आपको पसंद है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 4, अगर x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा y कोऑर्डिनेट आपको, क्यों क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y एक बार y अगर x 0 करेंगे तो y कितना आ जाएगा x 0 करेंगे तो y भी रुक जाओ y 0 करेंगे तो x 3 आएगा और x 0 करेंगे तो कितना होगा y 4 आएगा, यानी हमारा डाइग्राम देखो ऐसे बनेगा, हमारा डाइग्राम में एक बार कर रहा है यहाँ से क्या मिल गया 0.4 और यहाँ से क्या मिल गया 3.0, क्योंकि हम जब भी लिखते हैं तो x और y लिखते हैं, तो 3.0 और 0.4 लो, और ये तो आपको पता ही है कि दो एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0.0, हमने इस लाइन का डायग्राम ऐसे बना लिया ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसको सोल्व करने के लिए भी अगर दो वहीं वे दो अपना सकते हो, या तो राइट एंगल ट्रेंगल करके कर सकते हो या तो भाग देके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और y इक्वल टू 0 पे रखना है तो x इक्वल टू क्या अभी मैंने निकाला था 15 बाई 2 यानी कि क्या 7.5,
तो देखो एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, एक कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 0, 10, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 7.5, 0। क्यों? हम जब भी लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो देखो हमारे पास ये चीज़ें आ गई, देखो ये चीज़ें आ गई 0, 10, 0, 10, 0.4 है तो 0, 10 ऊपर कहीं होगा, तो 0, 10 कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या 7.5, 0, 7.5 तीन से बड़ा ही होगा, 7.5, 0। लो हमने इन दोनों पॉइंट को मिला के हम एक चीज़ बना लेते हैं, लो डायग्राम हमने क्या कर लिया, हमने बना लिया। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो अब क्वेश्चन कर रहा है बने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज कौन सा बना, ये वाला पोर्शन बना, ये वाला पोर्शन मैं दिखा रहा हूं आपको ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये वाला जो पोर्शन बन गया, मैं कलर कर देता हूं, ये वाला पोर्शन बन गया जो समलंब चतुर्भुज, यानी कि इसका आपको निकालना है क्या, बने समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। ये जो मैंने शेडेड कर दिया, रंग दिया पोर्शन, उसका निकालना। तो देखो आपको क्या कर सकते हो, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, देखो पहले मैं करता हूँ ये सबसे बड़े वाले का निकाल लेता हूँ एरिया, इसका ये वाले का एरिया निकाल लेता हूँ, ये वाले का, यानी मैं सबसे बड़ा वाला, बड़ा वाला एरिया क्या निकाल, अगर मैं इसको नाम दे दूँ तो ए बी और सी, ए और बी और सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 7.5, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट बड़े वाले टोटल कितना है 10 तक गया है, तो 10 कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 7.5 इंटू, ठीक है 7.5 इंटू, चलो मैं कलर नहीं चेंज करता हूँ, इंटू हाइट कितना है 10, यानी कितना हो गया, अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने कटाया था 5 से, अभी मैंने निकाला भी था, अगर नहीं भी तो 37.5। अब मैं करता हूँ क्या, इस छोटे वाले एरिया निकाल देता हूँ, इस छोटे वाले की एरिया, यहाँ से यहाँ तक की एरिया निकाल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की एरिया, तो छोटे वाले का एरिया A1 और A2 एरिया निकाल दूँ, तो छोटे वाले की ये डिस्टेंस कितना है 3 और ये डिस्टेंस कितना है 4, हाफ इंटू 3 इंटू 4 यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कितना हो गया 2 से, यानी कितना हो गया 6। लेकिन हमें निकालना किसका है एरिया, ये वाले, यानी अगर बड़े वाले ट्रेंगल में से, बड़े वाले ट्रेंगल में से छोटा वाला ट्रेंगल घटा दूंगा तो इस वाले जो रंगे हुए हैं उसका एरिया निकल जाएगा, यानी कि जो एरिया एरिया निकलेगा शेडेड पोर्शन, मतलब जो ऐसे ऐसे मैंने किया है शेडेड पोर्शन का, A1 माइनस A2 37.5 माइनस 6 घटा लेना, सिंपल अब तो क्वेश्चन हो जाएगा ना 30, तो ये क्या हो जाएगा 31.5 आंसर हो जाएगा और ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यस आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया सेम क्वेश्चन आपको कि 5x + 3y = 15, 15x + 9y = 270, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस द्वारा बने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। तो मैंने बोला था एक बार, देखो एक बार क्या करो, आप यहां इसको सोल्व करो 5x + 3y = 15, इक्वेशन फर्स्ट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एक बार एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो करो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो करोगे तो वाई कितना मिल गया 5, ठीक है यानी यहां से कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0, 5, एक बार वाई इजिक्वल टू जीरो करोगे तो वाई इजिक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स इजिक्वल टू क्या मिल गया 3, यानी कि हम जब भी लिखते हैं तो एक्स और वाई लिखते हैं तो एक्स 3 और वाई 0, यहां से हमारा ए पोर्शन मिल गया, ठीक है। अब दूसरा, अब देखो मैंने डायग्राम बना दे रहा हूँ, अदरवाइज डायग्राम बनाने वाली चीज़ नहीं है, मैं इसको 3, 0 करता हूँ और इसको क्या 0, 5, हमने ये ट्रेंग इस तरह से हमने ये बना लिया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है ये 15x + 9y = 270, ठीक है 15x + 9y = 270, अगर मैं x 0 करता हूँ तो y कितना मिलेगा, अगर मैं x 0 करता हूँ तो y कितना मिल जाएगा 30, ठीक है क्योंकि 9y = इतना, अगर y 0 करता हूँ, अगर y 0 करूँगा तो 15 में 18 सिंपल कर लेना यार, देखो y इक्वल टू 0 करोगे ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तो 15x = कितना हो जाएगा 270, 3 से कटा दूँ 3 5 15 3 5 15 3 9 27 18 5 90, यानी 18 आ जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यानी हमारा क्या पोर्शन आ जाएगा 18 आ जाएगा। लो हमारा इस तरह से क्या आ जाएगा,
यहाँ y इज इक्वल टू 18, यानी एक बार x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 30, एक बार क्या x इज इक्वल टू 18 तो y इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा मिल गया एक बार 18, 0, और दूसरा वाला क्या मिल गया, हमारा दूसरा वाला मिल गया 0, 30। ठीक है, यहाँ से हमने ये डायग्राम बना लिया, ए लाइन का हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला हमें पोर्शन निकालना है, हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, तो पहले हम बड़ा वाला बड़े वाले का निकालेंगे। बड़े वाला क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस, बेस ये बड़ा वाला कितना है 18, इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 30, यानी कि 18 इंटू 30, यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपको निकल गया अगर मैं करूँ तो 15, अभी मैंने 18 में 15 का मल्टीप्लाई किया था, कितना है 270। यहाँ से ए टू एरिया निकाल दूँ, ए टू छोटे वाला का निकाल दूँ, छोटे वाले का हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3, इंटू हाइट कितना है 5, यानी कितना होगा 15/2, यानी कि क्या हो गया 7.5। अब इसका निकालना है हमें एरिया, ये वाले साइडेड पोर्शन का निकालना है, बड़े वाले ट्रेंगल में से छोटे वाले ट्रेंगल का निकाल दो तो एरिया किसका मिल जाएगा, साइडेड पोर्शन समलंब चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा, यानी 270 में से 7.5 घटा दो, 270 में से 7.5 घटाओगे तो 262.5 मिल जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, नेक्स्ट पार्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी सारा टॉपिक्स कवर करा चुका हूँ। राकेश यादव के क्लास नोट्स की वीडियो ओनली फॉर ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहता था, आज मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट करा दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, आज आपको तीनों वीडियो लगातार ही मिलेंगे। थैंक यू, बाय, वेलकम टू माई चैनल लर्न विद स्टडी, दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के बुक्स के वीडियो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगेन आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसएससी सीजीएल एंड आल्सो एसएससी सीएचएसएल, जो एसएससी सीएचएसएल 2018 में होने वाला है उसमें आपको जरूर सियोर ना सियोर आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, आपको आएंगे ही आएंगे, तो इसीलिए आपको ये मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको कवर जरूर कर लें, और बहुत ही आसान टॉपिक है। अगेन मैं बता दूं, इस टॉपिक से आपको 100% क्वेश्चन बनते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तो। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये दो लाइन दिया हुआ, एक लाइन 4x + 3y = 12 और दूसरा लाइन दिया हुआ 5x + 7y = 30 एंड वो x एक्सिस द्वारा बने ट्रेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी जो इन तीनों से मिलके बना होगा उस ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखो हमारे पास क्या दिया है, 4x + 3y = 12 एक लाइन दी हुई है, दूसरी लाइन क्या दी हुई है 5x + 7y = 35 और थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है x एक्सिस, मैंने हमेशा बताया है x एक्सिस पे क्या y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस की बात किया जाए तो y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये चीजें आपको मैंने हमेशा बार बार बता चुका हूं। तो देखो अब यहां पे सिर्फ आपको क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है x एक्सिस की बात किया जा रहा है, तो x एक्सिस हम फर्स्ट वाले लेंगे, y इक्वल टू 0 करेंगे, इस केस में अगर y इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 0 करेंगे, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4x = 12 तो x इक्वल टू 3, यानी इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 3, 0। उसी तरह इसमें क्या करेंगे, इसमें भी x एक्सिस की बात करें तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, अगर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा 5x = 35 यानी कि 7, यानी यहां से आपको क्या मिल जाएगा कोऑर्डिनेट, हम जब भी कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो x और y लिखते हैं 7, 0, यानी हमारे पास कोई एक ट्रेंगल कोई भी चीज़ें हैं, देखो हमारे पास एक क्या है, ये क्या होता है आपको 0, 0, यानी एक में क्या है 3, 0, 3, 0, दूसरा क्या है 7, 0, 7, 0, लो हमने लिख लिया। अब आप सोचो, आप थोड़ा सा ये बताओ, अब कह रहा है कि x एक्सिस से बने ट्रेंगल का क्षेत्रफल, देखो हमारे पास दो लाइन थी ना, ये लाइन भी दिया हुआ है हमारे पास क्या 4x + 3y = 12 फर्स्ट, सेकंड क्या दिया 5x + 7y = 35, हमें x एक्स
और एक्स एक्सिस से बने ट्रेंगिल। अब ट्रेंगिल बनाना है तो इन दोनों में से देखो, ट्रेंगिल बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, यानी ये वाला हाइट हमें कहीं ना कहीं चाहिए। इस वाले हाइट के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उस पर क्या, मैंने बताया था यहाँ पे कोई भी इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। तो मैं क्या करूँगा, कोऑर्डिनेट को जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट की जीरो से मतलब नहीं है, हमें चाहिए क्या, एक कोई भी यहाँ पे पॉइंट चाहिए जो क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे। तो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो ओनली फोर क्या हम वाई को ही लें, क्योंकि हमें वाई कोऑर्डिनेट ही चाहिए, हाइट चाहिए ना, हमें ट्रेंगिल निकालना है तो हाइट चाहिए। देखो दूसरी चीज़ देखो, तो अब क्या करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चन में बनाने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो हम एक्स एक्सिस को हटाएं, काटेंगे, तो एक्स एक्सिस को काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से क्या कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से हम क्या वाई की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो ये अगर माइनस कर दूँ, माइनस माइनस माइनस, तो 20 कैंसिल हो गया, 5 × 15 = 15y − 28y इज इक्वल टू, इधर 5 × 12 = 60 माइनस 35 × 4 कितना होता है, 5 × 20 = 12 × 2 = 40 ठीक है। और इधर से मैं करूं तो माइनस ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, सिंपल सॉल्व करता हूं तो देखो क्या आएगा, यहां से सॉल्व करता हूं तो आपको मिल गया, हाँ देखो आपको मिलता है 15 × 28 का मल्टी ये करूं तो देखो 13y = इधर क्या हो गया आपको −80, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y = क्या मिल गया, 80/13, y = मिल गया 18/13, y = क्या मिल गया 18/13। तो देखो अब थोड़ी सी आप सोचो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 से 7 जा रहा है, यानी कि 4 यूनिट, अगर डिस्टेंस नहीं पता चल रहा है तो घटा लो 7 − 3 यानी कि 4, यहाँ सिंपल पता चल गया कि ये वाला डिस्टेंस है कितना है, 4 है, और हमें ट्रेंगिल बनाना है ना। देखो ट्रेंगिल, अब वाई कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, लो हमने ऐसे करके ट्रेंगिल बना लिया, और हमें पता है कि ये वाला हमारा डिस्टेंस, ये वाला फाइंड आउट हो चुका है कितना है, 80/13 यहाँ से यहाँ, और जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस तो ये भी है, तो लो ये वाला हाइट क्या मिल गया आपको, 80/13। अब ट्रेंगिल पता ही है कि ये वाले ऐसे ट्रेंगिल को मैंने बताया था, देखो ट्रेंगिल के बारे में अगर थोड़ी सी आपको नॉलेज रखनी है तो देखो मैंने बताया था कि अगर आपको बेस दिया हुआ है और हाइट दिया तो एरिया क्या होता है, 1/2 × बेस × हाइट। तो यहाँ से इस ट्रेंगिल का एरिया निकाल दें, एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 × बेस, बेस कितना है हमारे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 4, इंटू हाइट कितना है अभी निकाले 80/13, 2 से काट लो 2 यानी कितना हो गया 160/13, 160/13 इसका क्या हो जाएगा, एरिया मिल गया आपको 160/13। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन सेम क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन वाई एक्सिस, यहाँ पे देखो वाई एक्सिस की बात किया जा रहा है, द्वारा बने ट्रेंगिल का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालो। देखो फर्स्ट क्या है, x + 2y = 8, दूसरा 5x + 3y = 15। तो हमसे y एक्सिस की बात बोला जा रहा है, y एक्सिस पे क्या कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट जीरो करेंगे, अगर x जीरो करेंगे तो y कितना मिलेगा, 4। अगर यहाँ पे मैं करूँ x जीरो तो y क्या मिल जाएगा, y मिलेगा 5, यानी एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0, 4 और दूसरा क्या मिल गया 0, 5। लो हमारे पास ऐसे डायग्राम, अब 0, 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 0, 4 और 0, 5 इससे थोड़ा सा आगे 0, 5 हमारे पास ये चीज़ें मिल गया ठीक है। अब देखो ट्रेंगिल बनानी है, थोड़ी सी अगर मैं बात बताऊँ, देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से करता तो मैं थोड़ा सा एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके समझाता हूँ। जैसे देखो देखो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक मिल गया 0, 4 एक मिल गया, मान लो इसको थोड़ा सा ऊपर मान लेता हूँ 0, 5। अब हमारे पास क्या है, x + 2y = 8, दूसरा क्या दिया, 5x + 3y = 15। अब ट्रेंगिल तक कैसे बन सकता है, जब यहाँ से ऐसे ट्रेंगिल मिले तभी तो बन सकता है, और ठीक है, और ये आपको पता चल गया 4 से 5 जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है ठीक है। अब हमें चाहिए क्या है, देखो ये वाला पोर्शन चाहिए हमें x को, x का x
हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करके हम एक्स ला देंगे। तो एक्स लाएंगे, तो एक्स लाने के लिए हम क्या करें, इधर से फाइव से मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी हमें एक्स लाना है ना, तो वाई को कटाना पड़ेगा। तो देखो मैं वाई को कटाना पड़ेगा, तो हम वाई कोऑर्डिनेट को हटा दें। देखो वाई कोऑर्डिनेट को हटाने के लिए इधर टू है और इधर थ्री है, तो इधर थ्री से मल्टीप्लाई और इधर क्या कर दूँ टू से मल्टीप्लाई और माइनस कर देता हूँ। देखो इधर क्या बन जाएगा, थ्री एक्स माइनस 3x माइनस इधर कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 24, ये तो कैंसिल हो जाएगा 24 माइनस 30 यानी यहाँ से कितना मिल गया माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या हो गया 6/7 यानी ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाला जो ये हाई जो ये इतना रहेगा 6/7 यहाँ से यहाँ तक वहीं तो ये भी रहेगा क्योंकि ये तो ये वाला हाइट मिल गई हमें 6/7। अब डायग्राम देखो हमारा कैसे डायग्राम है, हमारा डायग्राम ऐसे बना हुआ है, हमारा डिस्टेंस ये 0.4 है और ये क्या है 0.5 है और ये हमारे पास ये वाला हाइट मिल चुका है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाली हाइट मिल चुकी है, ये वाला हाइट कितना है 6/7 हमने फिगर आउट से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया कि ये वाला जो हाइट दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 6/7। तो एरिया हमें पता है सिंपल, एरिया एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाला चार से पाँच गया एक यूनिट, वन बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 6/7, दो से कैंसिल कर लो तो 3/7 क्या हो गया इसका एरिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन का कह रहा है आपको कि डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो और साइडेड पोर्शन, साइड मतलब छाया करो कि किधर लाई करेगा। ठीक है, किधर लाई करेगा, तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको नॉलेज थोड़ी सी क्या होनी चाहिए वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो हमारे पास 4x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, पहला चीज़ हम क्या करेंगे, ग्रेटर को छोड़ देंगे, हम इक्वल कर लेंगे 4x + 3y इज इक्वल टू 12। पहले हम इसका तो डायग्राम ड्रॉ तो कर लें। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने हमेशा बताया था एक बार x को जीरो करो, अगर x को जीरो करोगे तो y कितना मिल गया 4, एक बार y को जीरो करो, y को जीरो करोगे तो x कितना मिल जाएगा 3, यानी कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0.4 और यहाँ पे क्या मिल गया 3.0। क्यों, क्योंकि पहले हम x को लिखते हैं और फिर y को लिखते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, x लिखा पहले उसके बाद y, पहले x लिखा उसके बाद y। ठीक है, आपको यहाँ तक पता चल गया, यानी हमें तो डायग्राम तो निकाल लिया ना कि हमारे पास एक है 3.0, दूसरा क्या है हमारे पास 0.4, यानी कि हमारे पास हमारा जो ऐसे लाइन बन गया, और ये लाइन आपको पता ही है क्या है, कौन सी लाइन है जो हमने निकाला, हमने ये लाइन निकाल दिया, क्या निकाला 4x + 3y इज इक्वल टू 12 की ये लाइन हो गई। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये देखो ये आपको पता ही है पॉइंट क्या क्या होता है 0, 0। अब इस लाइन के देखो आपको कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मैं NDA के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ क्लास 11th की, तो ये बेसिक क्वेश्चन है उन यहाँ वहाँ के लिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में या तो आप इधर पॉइंट कोई भी एक पॉइंट रख लो, या तो इधर वाला इधर साइड कोई पॉइंट रख लो, और जो पॉइंट जिधर सेटिस्फाई करेगा हम उधर ही आपको कलर करेंगे। ठीक है, जैसे देखो इस लाइन के इधर वाला पोर्शन में हम क्या है देख रहे हैं आपको 0, 0 है, तो क्या क्यों ना हम 0, 0 रख लें, हमारे पास ये दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 0, 0 रख लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वन वन भी रख सकते हैं, क्योंकि 1, 1 भी लाई करेगा, इधर ही 1, 1 लाई करेगा, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट रखो जो एक तो इस साइड और वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उधर साइड करेंगे, अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो उसके अपोजिट साइड कर देंगे। जैसे देखो x में 0 रखेंगे तो ये भी 0 प्लस y भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 कभी पॉसिबल है नहीं है, यानी कि हम इधर ना अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर करता तो हम इधर करते जिधर पॉइंट लिए है, लेकिन नहीं कर रहा है तो हम उसके अपोजिट साइड वाला छायांकित कर देंगे। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नाइन का वही चीज कर रहा है कि डायग्राम
आपको डायग्राम ड्रॉ करो, क्योंकि आपको एक बार एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। डायग्राम ड्रॉ करो और उसका फाइंड आउट शेडेड पोर्शन बताओ कि शेडेड पोर्शन कहाँ पे होगा, लाई करेगा। तो देखो मैं एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, दो लाइन हमेशा याद रख लेना, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन कहे या एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन कहे, तो उसका लाइन का डायग्राम कौन सा होता है, देखो वो मैं आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो लाइन कौन सी होगी, ये लाइन कहलाती है एक्स इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स। और एक और कॉन्सेप्ट क्या है, एक और कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कह दे लाइन, या एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लाइन कहे, मतलब दोनों के बीच माइनस आ जाए, तो वो लाइन कौन सी होती है, मैं वो लाइन आपको दिखाता हूँ। वो लाइन कौन सी होती है, हमारा ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, y और y डैश, जो वो लाइन होगी वो लाइन होती है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो जीरो से पास करेगी, जीरो जीरो से पास करेगी और ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे, आपको देखो सबसे पहले समझना होगा क्या, देखो यहाँ पे ये डायग्राम है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई, तो मैंने पहले हमेशा बोला था ग्रेटर और लेस को छोड़ो, पहले इक्वल टू माइनस वाई कर लो। इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका डायग्राम ये वाला, देखो मैंने अभी अभी से बताया ना, ये वाला लाइन बनेगी, ये वाली लाइन, तो हमने ये वाली लाइन सेकेंड कॉन्सेप्ट है, तो ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, तो हमारा लाइन क्या हो गया, ये वाला। अब ये लाइन हो गया, ये वाला पोर्शन क्या होता है, जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। ये हमने इस लाइन का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये तो हमारा था कॉन्सेप्ट। अब बात आती है ग्रेटर और लेस की, बात आती है तो आपको कैसे, कौन सा पॉइंट सोचोगे कि कौन सा पॉइंट होगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि कौन सा पॉइंट होगा। तो अब देखो सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, कौन सा पॉइंट होगा, किधर साइड हम शेडेड करेंगे, तो शेडेड करने के लिए आपको बहुत सारा कोई भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे देखो अगर मैं बात करूं, कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब या तो इधर का पॉइंट ले लो या तो इधर का पॉइंट ले लो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वही पोर्शन क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन हो जाएगा। जैसे मान देखो इधर वाले पोर्शन पर मैंने 1,1 ले लिया या 2,2 ले लो, क्योंकि जीरो से हमेशा बड़ा, इस क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, तो हमने ले लिया 1,y। तो देखो हमारा कंडीशन क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई। तो देखो अगर मैं बात करूं 1,1 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर यहां पे 1 रखता हूं तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 पॉसिबल है, इक्वल पॉसिबल है, इक्वल पोजिशन, इक्वल देखो 1 इक्वल टू माइन, देखो 1 इज इक्वल, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 पॉसिबल है, माइनस तो नहीं पॉसिबल है, 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1, लेकिन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 पॉसिबल है, यानी पॉसिबल इधर साइडेड हो सकता है, ठीक है। इधर साइड क्या हो जाएगा, आप कलर कर दोगे, इधर वाला पोर्शन आप कलर कर दोगे। क्यों कलर किए, क्योंकि एक थोड़ी सी सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये जो लाइन है ना, इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, अगर टच करा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अगर ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ते तो ये टच नहीं करेगी। एसएससी में आपको इतना डिटेल्स क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप कोई भी पॉइंट इधर भी ले सकते थे, इधर का पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स में माइनस 1,1 ले लो, अगर देखो एक्स में माइनस 1,1 लेते तो देखो माइनस 1 को, देखो अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने इधर क्यों रंगा, तो देखो मैं अगेन आपको समझा दूं, देखो हमने इक्वल का डायग्राम, अगर मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिपीट कर दूं ताकि आप अच्छे से समझ सको, देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई है, पहले हम एक्स इज इक्वल टू वाई की, माइनस वाई का डायग्राम हमने बना लिया। डायग्राम क्या होगा, अगेन आपको मैंने बताया था कि अगर माइनस आ जाए तो ये वाला डायग्राम होता है, और ये आपको पॉइंट पता ही है कि जीरो जीरो होता है। अब अगेन पॉइंट की इधर साइडेड पोर्शन होगा या इस लाइन के इधर साइडेड पोर्शन होगा, तो देखो अब इक्वल का तो काम कर लिए, अब हम देखो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इस पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोई भी पॉइंट पॉजिटिव होता है, 1,1, 2,2, 3,3 कुछ भी, दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स ले सकते हैं। तो देखो अब मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई का कंडीशन फुलफिल करूं, तो देखो 1 x में 1 लिया और y में भी क्या लिया 1, तो माइनस 1, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, s तो सेटिस्फाई कर रहा है, जिधर सेटिस्फाई करेगा उधर साइड ही साइडेड करेंगे, नहीं सेटिस्फाई करता तो उसके अपोजिट कर लेते, यानी इसका डायग्राम क्या हो जाएगा ये।
आपको देखो एसएससी में क्या पूछा हुआ है वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो एसएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें एसएससी ने पूछ दिया था एक बार, एसएससी सीजीएल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम में कह रहा है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने आपको दो केस बताया था, दोनों केस मैंने आपको बताया था। देखो मैंने क्या बताया था कि y इज इक्वल टू अगर x लाइन हो तो डायग्राम ऐसे बनता है, यानी ऐसे बनता है मतलब ये इसको टच करता है, अगर y इज इक्वल टू कोई भी एक माइनस आ जाए तो ऐसे बनता है, लो ठीक है। अब देखो ग्रेटर और लेस की तो बाद में बात करेंगे, देखो अब यहां पे देखो इक्वल 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 करके देखो, देखो ये जो लाइन है ये कौन सा केस है, ये वाला केस है, यानी कि y इज इक्वल टू x लाइन वाला केस है। निगेटिव वाला तो हो नहीं, निगेटिव वाला होगा नहीं, तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ऑप्शन काट दो, ऑप्शन खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, ये और ये खत्म हो गया, यानी हमारा डायग्राम देखो डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ था, ऐसे डायग्राम दिया हुआ था। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इधर वाले पोर्शन पे शेडेड किया गया है, इधर वाले पोर्शन पे, तो आपको पता है, देखो आपको पता है कि ये पॉइंट कितना होता है, जीरो जीरो, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ एक पॉइंट दिया माइनस वन ऑन, तो देखो आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा। पहला कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन y, क्योंकि हमने इक्वल का तो काम कर लिया है, तो देखो माइनस वन एक्स में क्या है माइनस वन, और y में पॉइंट भी दिया माइनस वन, और y में क्या दिया वन, माइनस वन ग्रेटर देन वन, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि इधर वाला था, अगर इधर होता डायग्राम, इधर इधर साइडेड पोर्शन इधर साइड हो जाता तब तो सही हो जाता, यानी बचा क्या ऑप्शन नंबर बी। फिर भी चेक कर लो, एक्स लेस देन वाई इस कंडीशन में दिया हुआ है, तो माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्वेश्चन क्योंकि पॉइंट भी दिया हुआ है, एस सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए इधर साइडेड पोर्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सब करने के लिए तो मैं आपको सिखा रहा था, अदरवाइज ये डायरेक्ट ऑप्शन से मार सकते थे, और यही चीज दो पोर्शन ऑलरेडी कट जाते हैं, और यही चीज आपको एसएससी में की जाती है, एसएससी आपको पूछना यही चीज आपकी माइंडसेट ही चेक करना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला था कि 100% क्वेश्चन बनते हैं, आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये तो मैं बता दूं कि आपको जो एसएससी में पूछता है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, ओनली फिर आपको पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन, वो भी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर लाइन, वो भी आपको बेसिक पूछी जाती है। अगर आप 11 ट्वेल्थ पढ़े होते हैं अच्छे से तो आपको पता होगा कि 11 ट्वेल्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितनी वास्ट है, मतलब कितना बड़ा है, उसमें क्या पूछा जाता है, स्ट्रेट लाइन पूछा जाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा जाता है, सर्किल पूछा जाता है, सर्किल के बाद पूछा जाता है पारा, पाराबोला के बाद इलिप्स, इलिप्स के बाद हाइपरबोला। तो ये चीजें आपको इसमें से आपको ओनली फॉर एक पार्ट पूछता है एसएससी, ओनली फॉर ये वाला, ये सात पार्ट और नहीं पूछता, और ना ही पूछेगा, क्योंकि ये फिर तीन मंथ का कोर्स हो जाता है, ये थ्री मंथ लग जाएंगे पढ़ाने में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो इसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, अदरवाइज ये भी चीज़ मैं आपको नहीं बताता, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे को वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि जो सीएचएसएल का एग्जाम है ना, ये मोर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहां से आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स को पास भी शेयर करो, ताकि वो ये वीडियो देखने के बाद उनकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम जो लास्ट पार्ट, पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी, दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट थ्री सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट बुक्स के वीडियो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 17 के वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे अगेन आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसएससी सीजीएल एंड आपको एसएससी सीएचएसएल, जो आपको एसएससी सीएचएसएल 2018 में जो मार्च से होने वाला, उसके लिए बहुत ही मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और यहाँ से मैं अगेन आपको बता दूं कि 100% क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत ही आसान और ईजी टॉपिक्स होता है, इससे आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट सेशन है, इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, जितना आपको एसएससी एग्जाम में सिलेबस में पूछा जाता है। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको समटाइम्स पूछा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू फोर द्वारा बनी आकृति का क्षेत्रफल, इसका एरिया ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको मॉड की प्रॉपर्टी बता दूं, मॉड एक्स
ये देखो एक्चुअली है ये क्लास इलेवेंथ का चीज, क्लास इलेवेंथ में अगर आप पढ़े होते तो आपको तो मैथमेटिकल कैलकुलस जहाँ पे 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से मॉड को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कोई भी एक मॉड एक्स है तो ये दो चीज़ें निकलता है, मॉड एक्स एक बार पॉजिटिव एक्स निकलता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और जब एक बार माइनस एक्स निकलता है कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो हो। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो जैसे मैं बोलूं कि मॉड फोर की वैल्यू, तो मॉड की फोर की वैल्यू क्या होगी, फोर। कुछ लोग बोलते थे माइनस फोर होगी, नहीं, मॉड फोर की वैल्यू होगी फोर। क्यों, क्योंकि फोर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि माइनस फोर, मॉड का माइनस फोर की भी वैल्यू क्या होती है, कहते हैं कि फोर होती है, लेकिन वो रट लेते हैं। लेकिन होता क्या है, माइनस देखो ये देखो माइनस फोर, देखो अगर मैं बात करूं थोड़ी सी आपको अच्छे से समझा देता हूं यहां पे ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। कुछ लोग ये कहते हैं रट लेते हैं, सिर्फ रटना नहीं है क्योंकि एसएससी एग्जाम सब थोड़ी सी डिफिकल्ट दे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल दे रहा है, क्योंकि जो मेंस का पेपर हुआ है, देखो जो लोग ट्रिक्स के पीछे भागते थे सारे लोगों का पेपर खराब हो रहा है, करेंगे टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इज नॉट द वेरी टफ, क्वेश्चन इज कॉन्सेप्चुअली, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस फोर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि माइनस फोर क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो। इस केस में क्या निकलता है, माइनस एक्स, तो माइनस और एक्स कितना है, माइनस फोर, यानी क्या हो जाता है, फोर। यानी रट लेते हैं लोग इसका फोर होगा, लेकिन रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्यों होता है, ठीक है। ये चीज़ें तो थी आपको कैलकुलस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल सीखने के लिए। अब बात आती है वही चीज़ कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा मैं, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो अब हमें पता है एक बार x पॉजिटिव निकलेगा एक बार निगेटिव निकलेगा, एक बार हमने x को पॉजिटिव निकाल लिया, x प्लस वाई को ऐसे ही देखो, और उसी तरह y भी आपको एक बार क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो y को मैं दोनों केस y इक्वल टू क्या हो गया, 4, इक्वेशन 1। दूसरी बार x को निगेटिव ले सकता हूं और y को क्या, पॉजिटिव ले लेता हूं, तो ये भी क्या होगा, 4, इक्वेशन 2 भी बन सकता है। तीसरी केस में क्या, तीसरा केस में क्या हो सकता है, अब x को फिक्स कर दूं, x प्लस देखो x एक बार देखो फिक्स मैं करता हूं, तो देखो एक बार यहां पे हमने क्या किया, एक सेकेंड, हमने क्या किया था, देखो हमने क्या किया था, एक मिनट मैं कलर ही चेंज कर लूँ। देखो हमने क्या किया था, y को फिक्स रखा था, अब y को चेंज करेंगे, साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 4, थर्ड पॉसिबिलिटी। चौथा पॉसिबिलिटी क्या होगा, चौथा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 4। ये चार पॉसिबिलिटी बनेंगे इक्वेशन 1, 2, 3, 4। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो इक्वेशन 1 और 2 से बात करूँ, तो यहाँ से आपको इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब लाइन का इक्वेशन आपको मैंने बताया था, इस लाइन का इक्वेशन अगर एक्स जीरो रखोगे, एक्स जीरो रखोगे तो वाई क्या मिलेगा, 4, और वाई जीरो रखोगे, अगर वाई जीरो रखोगे तो एक्स क्या मिलेगा, 4। यानी इस कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, एक बार 4, 0, दूसरा 0, 4। तो इस तरह से हमारा लाइन, देखो सारे लाइन का डायग्राम हम ज्ञात करेंगे, एक बार 4, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 4। तो इस तरह से हमारा ये लाइन डायग्राम बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्या है, सेकेंड ये वाला है, सेकेंड देखो सेकेंड ये है, सेकेंड ये है, अगर x को 0 रखता हूँ, x को 0 रखूँगा तो y 4 मिलेगा, और y को 0 देखो, अब y को 0 रखूँगा तो x माइनस 4, यानी माइनस 4, 0। तो 0, 4 तो है और माइनस 4, 0, x में माइनस 4, 0, माइनस 4, 0, इन दोनों से ये डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले में क्या रखूँ, एक्स की वैल्यू 0 रखूँ तो एक्स की वैल्यू 0 रखूँ तो वाई माइनस 4 मिलेगा, और वाई 0 रखूँ, वाई 0 रखूँ तो एक्स क्या मिलेगा, 4। यानी एक बार 4, 0 तो ये है और 0, -4, 0, -4 कौन से लाइन में होगा, यहाँ पे 0, -4। तो इस तरह से हमारा ये डाइग्राम बनता है, लो हमारा बन गया। तो इस केस की बात करें, इस केस में देखो एक्स अगर 0 रखूँ, अगर x 0 रखूँ तो y कितना होगा, माइनस 4, और y 0 रखूँ, अगर y 0 रखूँ यहाँ पे, y 0 रखूँ तो x क्या हो जाएगा, माइनस 4। यानी 0, -4, 0, -4 ये रहा और -4, 0 ये रहा, इन दोनों से ये लाइन, सारे लाइन का मैंने डायग्राम बना लिया। अब थोड़ा सा सोचो, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है, बनी आकृति का क्षेत्रफल, ये वाला पूरा का पूरा साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है,
ठीक है, चार है, सेम हर जगह चार, यहां भी चार है, यहां भी चार है, ठीक है, यहां भी ये वाला यहां से यहां भी डिस्टेंस क्या है, चार है। तो आपको पता चल रहा होगा, देखो ये वाला ये यहां से यहां तक अगर चार चार है और ये राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल बन रहा है ऐसे, देखो ये वाले पोर्शन की बात बोल रहा हूं, ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, देखो ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, देखो ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं, फोर है, फोर है, तो आपको पता ही है कि ये वाला पोर्शन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, चार का अंडर रूट 16 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 30, अंडर रूट 30 यानी कि रूट 16 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा, 4√2, यानी कि मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, इसको मैं इरेज कर दूँ, डायरेक्ट इरेज कर दूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, इरेज कर दूँ तो ये वाला आपको हो जाएगा 4√2, 4√2, देखो ये 4√2 होगा, उसी तरह ये भी 4√2 होगा, उसी तरह ये भी 4√2 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा 4√2, सिमेट्रिसिटी है। तो आपको पता चल गया कि चारों साइड अगर इक्वल है तो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर 4√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर कर लो, 4√2 का स्क्वायर कर लोगे तो क्या बन जाएगा आपको, 4√2 का स्क्वायर कर लो, सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर ऐसे मैं बात बोलूं तो 4√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16√2 का स्क्वायर 2 यानी कितना हो जाएगा, 32 क्या हो जाएगा आंसर। ये तो था आपको डेप्थ नॉलेज इसलिए दिया था क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस कर देगा क्वेश्चन में तो भी आपको सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसका एक ट्रिक्स सिंपल शॉर्ट फॉर्म में भी मैं आपको सिखाता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में सिखाने का मतलब क्या है, जैसे देखो हमें चीज़ें, देखो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू के हो तो एरिया क्या होता है 2k² जैसे अभी दिया हुआ था ना, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 4, तो एरिया पूछ रहा था कि जो बना होगा क्षेत्रफल आकृति उसका एरिया, तो 2 × k² के की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 16 × 2 यानी कितना हो गया 32। जैसे इस क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अभी था, इसी क्वेश्चन का तो हमने एरिया निकालना था, तो एरिया निकालने के लिए हमने फार्मूला क्या यूज किया कि फार्मूला के मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू के दिया हो तो एरिया क्या होता है जो बनी आकृति तीनों से 2k² यानी कि देखो 2 × k कितना है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 2 × 16 यानी कि 32। तो इस तरह से आप शॉर्ट अप्रोच यूज कर सकते हो, लेकिन यही मैं बोल रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनो। ये तो चलो ठीक है इस क्वेश्चन के लिए आ गया, लेकिन अगर गलती से भी कहीं ऐसे कर दे माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 4, अब तो ये फार्मूला यूज हो नहीं सकता क्योंकि बीच में माइनस आ गया। तो इसीलिए मैंने बोला था कि वो जो मैंने चार आपको एक एक करके मॉड की प्रॉपर्टी जो बताया था, मॉड की प्रॉपर्टी वो चीज़ आप यूज करो तभी आप पूरी की पूरी बना पाओगे। इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट अप्रोच भी सीख लो, लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दिया, क्वेश्चन कभी ऐसे दे सकता है माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने आपको चारों की कैसे आपको ब्रेक करना है वो चीज़ मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ में देखो, जैसे अगर ऐसे भी क्वेश्चन कह दिया तो भी आप क्या यूज करोगे, जैसे देखो आपसे क्वेश्चन कह दिया कि x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू के दिया हुआ है, या मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू के दिया, मतलब कभी किसी एक में मॉड लगा दे और बीच में प्लस हो तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है k² फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास दे दिया कि मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपको k² यानी 4 का स्क्वायर यानी कि क्या 16। बस डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैंने अगेन बोला है कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनो क्योंकि अगले बार ऐसे पूछ सकता है मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, फिर आपको मॉड की प्रॉपर्टी ही जाननी पड़ेगी जो मैंने आपको कैलकुलस बोला था कि आपको 12th के बेसिक लेवल के नॉलेज होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन जितना जिसका शॉर्ट अप्रोच जानते हो उसको शॉर्ट अप्रोच से भी अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट क्या करा है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास दो पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है बी, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वन वाई वन दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी निकालना हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो क्या होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास मैं आपको बता दूं, कोई भी एक ट्रायंगल हो
जिसका तीनों वर्टेक्स का मतलब तीनों शीर्ष, हिंदी में बोला जाए मान लो ये ए बी और सी एक ट्रेंगिल है, तीनों कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स थ्री वाई थ्री दिया हुआ है। तो इस ट्रेंगिल का अगर हमसे पूछे एरिया, ट्रेंगिल ए बी सी का एरिया कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेंगिल ए बी सी यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वो क्या होता है 1/2। इस तरह से याद रखने का आपको मैं बहुत ही सिंपल वे समझाता हूँ, 1/2 इंटू, देखो पहले लिखो एक्स वन, ये देखो एक्स वन लिखो एक्स वन, तो इधर वाला देखो, इधर वाले कर लो ऐसे वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई, देखो एक्स वन करोगे तो वाई टू से वाई थ्री ले जाओ, तो वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस, अब इसको लिखोगे एक्स टू, एक्स टू लिखोगे तो ये वाला करोगे वाई थ्री, इस तरह से तीर कर लेना वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस, अब एक्स थ्री लिखोगे, एक्स थ्री लिखोगे तो फिर क्या करोगे ये इधर से इधर तीर कर लेना, तो क्या होगा वाई वन माइनस वाई टू, और इसका क्या, ये क्या है मॉड, मॉड जरूर देना, मॉड में आपको प्रॉपर्टी समझा चुका हूँ, ठीक है। ये तो आपको ये रहा, एक और चीज़ होती है इसमें, वो चीज़ भी आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो अगर ये तीन ट्रेंगल है कोई ए बी सी, इसका आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, इसका दिया हुआ है एक्स टू वाई टू, और इसका दिया हुआ है एक्स थ्री वाई थ्री दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, और कहा कि ये जो सेंटर है यहाँ पे इसको बोलते हैं सेंट्रोइड निकालना है, जिसको अगर हिंदी बोला जाए तो केंद्रक बोला जाए, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये वाई का कोऑर्डिनेट है, यानी कि सेंट्रोइड क्या हो जाएगा फाइनली एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, और ये मैंने यही चीज लिखा हुआ है ये, और ये एरिया मैंने आपको रटने का भी तरीका, मतलब रटने का मतलब कॉन्सेप्चुअली रटो का हमेशा बोला हूँ, आप कॉन्सेप्चुअली रटोगे तो आप जो मैंने आपको वे बताया उससे आपको कभी भूलोगे ही नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे देखो हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, दो पॉइंट दिया हुआ है, एक ए है और बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स टू वाई टू, और इसका दोनों के बीच का, और क्वेश्चन कह दिया कि इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, मिड पॉइंट का मतलब क्या बीच का, जिसको हिंदी में इसको बोलते हैं मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है पहले एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया एक्स वन प्लस एक्स टू, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमसे एग्जाम्पल कह देगा कि ये ए है और ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट थ्री और फोर, इसका कोऑर्डिनेट फाइव और सिक्स है, तो क्वेश्चन कहेगा कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करो, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक बार एक्स वन प्लस एक्स टू थ्री प्लस फाइव बाई टू, और दूसरा क्या हो जाएगा फोर प्लस सिक्स बाई टू, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए क्या है ये एक्स वन वाई वन है और ये क्या है एक्स टू वाई टू है, बस एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू वाई वन प्लस वाई टू वाई टू, बस सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे ऐसा क्वेश्चन आपको देखो इसका यूज करके कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम्स में, और आपको मेंस लेवल में भी पूछे जाते हैं, लोग कहते हैं कि टफ है और आसान है क्वेश्चन को, क्वेश्चन टफ और आसान नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का चौथा शीर्ष ज्ञात करो, मतलब कोई एक, ठीक है, कोई एक जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटर, मतलब होता है चतुर्भुज, समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो चीज़ आप समझ लेना। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं और उनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, तो कह रहा है उसका चौथा मतलब उसका फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, फोर्थ वर्टेक्स ज्ञात करो जिसके तीन शीर्ष दिए हुए हैं, जिसके तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं, यानी हमारे पास कोई एक ऐसा चतुर्भुज है, लो हमने चतुर्भुज बना लिया ऐसे, हमने चतुर्भुज बना लिया, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये कर लेता हूँ,
ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। लो हमने चतुर्भुज बना लिया जिसके तीन शीर्ष दिए हुए हैं, एक मैं मान लेता हूँ ए बी सी और डी दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है 2.3, ये कितना दिया हुआ है 3.4, ये कितना दिया हुआ है 2.-7, और चौथा निकालना है। चौथा निकालना है यहाँ पे, यही तो कह रहा है कि चौथा कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, ठीक है। तो चौथा कोऑर्डिनेट देखो, अगर ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो, अगर मैं आपको समझाऊंगा आपके बुक्स में कैसे बनाया वो तो चीज़ मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से कर सको। ए बी सी डी कहीं से भी मान सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता, आपके बुक्स के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ ताकि आपको जो लोग पढ़ रहे होंगे बुक्स उनको प्रॉब्लम ना आए। तो देखो बुक्स में प्रॉब्लम ना आए उसके लिए मैंने ये चीज़ किया है। देखो हम ऐसे मान लेते हैं कि ए बी और सी और डी, उस तरह से भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बुक्स के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ ताकि आपको, कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि बुक्स का ही सॉल्यूशन, बुक्स के सॉल्यूशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी आप बुक्स पढ़ो ना तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि बुक्स में क्या दिया हुआ है, मैं क्या कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इसकी वजह से मैं बुक्स का ही जो चीज़ दिया हो वो चीज़ समझाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आपको आती नहीं, तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि भाई सच में मेरे को नहीं आती, अगर आपको लगता है ऐसा तो नहीं आती। अगर आप डिटेल्स में पढ़े होंगे, अगर आपको पता होगा कि मेरे पास नॉलेज है तो आपको लगेगा, अदरवाइज नहीं हो है तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी बोल सकते हो। बोलने का कोई लाइफ में रूल नहीं है और बोलने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है एसएससी का। इसीलिए मैं समझा दूं कि अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, अगर आपको सही लगता है देखो वीडियो, नहीं सही लगता आप बहुत सारे चैनल आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो आप देखो, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे तरफ से। देखो तो एक ही पॉइंट दिया हुआ है 2.3, ठीक है, तो वो मैं लेता हूँ आपको 2.3। लो हमने इस यहाँ से स्टार्ट कर दिया 2.3, उसके बाद क्या दिया 3.4, हमने 3.4 कर दिया। उसके बाद थर्ड क्या दिया है 2.-7, और फोर्थ का कोऑर्डिनेट यहीं तो निकालना है, इस निकालना है, मैं इसको क्या मान लूँ एक्स और वाई मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, x1 y1 मान लो, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है और यहीं निकालना है, चौथा शीर्ष ही निकालना है क्वेश्चन में गिवेन। अब आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी में बता दूं कि सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट के करने का मतलब क्या है कि बाइसेक्ट करते हैं और वो भी इक्वल इक्वल, जैसे ये इक्वल होगा तो ये भी इक्वल हो जाएगा, और ये डायगोनल में ये जितना इक्वल होगा यहाँ पॉइंट से, मान लेते इसको ओ पॉइंट है तो यहाँ भी इक्वल ये होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये पॉइंट, देखो हमने अभी पढ़ा था ना, अगर x1 y1 हो और x2 y2 हो, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। तो देखो अगेन मैं बता दूं कि ये दोनों क्या होते हैं, डायगोनल, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी एक दूसरे के मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो अगर ये वाला कोऑर्डिनेट हम निकाल देते हैं, इस वाले का कोऑर्डिनेट हम निकाल देते हैं, देखो हमारे पास लाइन क्या मिल गई 2 और ये लाइन है और ये लाइन है, और इसका क्या है ये वाला मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से हम निकाल लें 2-2 x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरा क्या होगा -7 प्लस 3/2, यानी क्या हो गया 0 ये हो गया और ये कितना हो गया -2। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे मिल गया क्या 0.-2। यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो बहुत ही आसान था, मिड पॉइंट फार्मूला हमने अभी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे, ये वाला इस वाले से हमने निकाल लिया। अब देखो फिर सेम ये वाला डायगोनल भी क्या है, एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करता है, और ये आपको क्या है उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट पहले वाले में दिया हुआ है 0.-2, ये होता क्या है आपको एक बार होता है इन दोनों का सम x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2, x2 कितना है 3/2 और y1 प्लस 4/2, y1 प्लस 4/2, x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है तो x कोऑर्डिनेट 0 कर लो, तो x1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, और y कोऑर्डिनेट का ये पोर्शन है तो y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -2। सोल्व कर लो, सोल्व कर लूँगा तो x1 इज इक्वल टू -3 और y1 क्या आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -4 और -4 यानी कि -8, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया -3.-8। तो इतना आसान क्वेश्चन था और यहीं तो फाइंड आउट करना था। तो आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे, इसमें मैंने क्या किया सिर्फ एक फार्मूला यूज किया और सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी यूज की, और लोग इस क्वेश्चन को कहते हैं कि हमसे बनता नहीं है।
तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको बहुत ही आसान। ये तो मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं बहुत ही फास्ट कर लेता है ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको थोड़ी सी कैसे इस क्वेश्चन को याद रखना है। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये ए है और ये बी है, एक्स वन वाई वन पॉइंट है और ये क्या है इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट का एक्स टू वाई टू है। अगर ये मिड पॉइंट में काटता, अगर ये दोनों का बीच का है, मध्य बिंदु होता, तब तो फार्मूला क्या होता, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। मिड मतलब, मिड का मतलब कि बीच में, मिड पॉइंट का मतलब इक्वल रेशियो में, ठीक है। अगर टू इज टू टू कह रहा है, वन इज टू वन, लेकिन अगर ये कहीं के इज टू वन रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसके लिए हम फार्मूला कैसे यूज करेंगे। देखो इसका याद कैसे करोगे, जैसे देखो एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, जब कब, जब के इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करे तब। तो देखो कैसे याद रखोगे इसको, देखो ये वाला चीज को हम करेंगे इसके साथ, जैसे देखो, और ये वाला चीज को हम करेंगे इसके साथ। जैसे देखो पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स वाला लेंगे, के एक्स टू, के एक्स टू प्लस, अब वन के साथ एक्स की बात करेंगे तो एक्स वन इंटू एक्स, एक्स वन डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, के प्लस वन, एक्स कोऑर्डिनेट लिखती है। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट लिखना है तो फिर वही वाई के साथ मल्टीप्लाई, के वाई टू प्लस, ये इधर वाले से वाई के साथ मल्टीप्लाई, वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वन डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, तो के प्लस वन। और यही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ, ये मोर इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसे आप याद रखोगे तो कोई भी फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, एग्जाम में भी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व आउट करता हूँ। तो ये चीज आपको प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखो, आपको इस पे यूज करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई पॉइंट पी और क्यू दिया हुआ है, पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये दे दिया कोऑर्डिनेट इसका, यानी कि x1 y1 दे दिया और यहाँ क्या दे दिया, x2 y2 दे दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि y एक्सिस लाइन PQ को किस अनुपात में बांटेगा, यानी कि जो y एक्सिस लाइन, देखो ये x एक्सिस होता है, y एक्सिस लाइन होता है, y एक्सिस लाइन फॉर एग्जांपल हमारे पास, देखो मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। PQ है, एक पॉइंट दिया है माइनस थ्री कॉमा सेवन, दूसरा क्या दिया हुआ है सेवन कॉमा फाइव, और ये कह रहा है कि y एक्सिस कोई लाइन है उसको किस रेशियो में काटेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैंने हमेशा बताया था ऐसे क्वेश्चन में k इज टू वन रेशियो मान लो कि डिवाइड करेगा, k इज टू वन रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आपको पता ही है कि इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आसानी से। मैंने बताया था क्या, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए पहले इधर मल्टीप्लाई करो और इधर मल्टीप्लाई करो, और एक्स वाले में निकालो, पहले एक्स निकालना है तो के इंटू सेवन, के इंटू सेवन यानी कि सेवन के, और वन इंटू माइनस थ्री यानी कि माइनस थ्री डिवाइडेड बाई दोनों का सम, के प्लस वन। सेकेंड में मैंने बोला था कि इधर वाले से फिर वही वाई टू की मल्टीप्लाई करो तो फाइव के, और इधर से फिर इस वाले से वाई, इसमें मल्टीप्लाई करो वाई वाले में, तो इधर सेवन है प्लस सेवन, ठीक है, प्लस सेवन डिवाइडेड बाई क्या, के प्लस वन। और आपको ये पता है अगर हमारे से कह रहा है y एक्सिस, मैंने बताया था y एक्सिस की बात किया जाए तो y एक्सिस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट जीरो, अगर x एक्सिस की बात किया जाए तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। यानी कि अगर बात किया जाए, देखो ये x कोऑर्डिनेट आ गया और ये क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट। आपसे कह रहा है y एक्सिस यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। तो सेवन के माइनस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो सेवन के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू क्या मिल गई, थ्री बाई सेवन। हमें पूछ रहा था किस रेशियो में डिवाइड करेगा, हमने k इज टू वन रेशियो माना था, k की वैल्यू मिल गई थ्री बाई सेवन इज टू वन, यानी क्या हो जाएगा, थ्री इज टू सेवन रेशियो में क्या करेगा, वाई एक्सिस, अब ये लाइन है हमारा, इसको वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, थ्री इज टू सेवन रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इतना आसान ये क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको थोड़ी सी अब बात आती है स्लोप की, स्लोप होता क्या है, व्हाट इज द स्लोप, स्लोप का मीनिंग क्या होता है। जैसे देखो मैं बोलता हूँ आपके पास एक लाइन है एक्स एक्स डैश और वाई और वाई डैश, तो स्लोप का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक ऐसा लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये लाइन आपको दिया हुआ है, लाइन यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में रेखा, लाइन। तो स्लोप क्या होता है,
जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जो एंगल बनेगा, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा वही कहलाता है थीटा, और थीटा ही कहलाता है स्लोप, और स्लोप को ही बोलते हैं एम, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा इसी को, और एम क्या होता है, किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में, यहाँ डायग्राम में ये एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक हमारे पास लाइन है, स्लोप मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज जाओ और वही एंगल वही जो एंगल होगा वो कहलाता है स्लोप, जिसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है, एम इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक्सिस है, हमारे पास कोई लाइन ऐसे दे दिया, हमारे पास लाइन ये ऐसे दे दिया, तो मैं बता दूँ इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऐसे यहाँ से जाएंगे, एक्स एक्सिस से जाएंगे और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कभी इधर से मेजर मत कर देना, ये गड़बड़ हो जाएगा, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज, और ये कहलाता है थीटा, और थीटा क्या होता है, एम स्लोप होता है, और एम को ही बोलते हैं क्या, टैन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें पता, थीटा डैश मान लो, थीटा डैश क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या होता है, टैन थीटा, तो ये आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको स्लोप आप कैसे फाइंड आउट, स्लोप को और भी वे से डिफाइन कर सकते हो। एक क्या, देखो मैं सारा आपको टर्म बता रहा हूँ, जैसे देखो हमारे पास कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एक्स टू वाई टू, दो पॉइंट ए है और ये बी है, दो पॉइंट को मिला के हमने क्या निकाल दिया, लाइन, दो पॉइंट को मिलाएंगे तो लाइन लाइन बनेगी, और अब इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इस तरह से इस लाइन का स्लोप मिल जाता है, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूं, अगर इस तरह से कभी हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो हो, इस तरह से लाइन का इक्वेशन हो और इसमें स्लोप क्या होता है, स्लोप की बात करें, स्लोप तो क्या होता है, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, ये भी क्या होता है, स्लोप। और एक और चीज बता देता हूं, जैसे हमारे पास कोई भी ऐसी लाइन दी हो, ऐसे ए एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई और वाई डैश, हमारे पास कोई लाइन ऐसे दे दिया, ऐसे लाइन दे दिया, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा ना, इस लाइन का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन का क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये जो लाइन है ना हमारा, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना हो जब डायग्राम ऐसे ही बने तब इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर सी क्या होता है, सी होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कौन सा है, यहाँ से लेके ये वाला कहलाता है पोर्सन क्या, सी, और स्लोप कौन सा होगा, ये वाला स्लोप, ये थीटा, थीटा यानी ये वाला क्या है, स्लोप। तो इस तरह से कहीं भी आप लाइन ऐसे देखो या ऐसे देखो तो आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप और c इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया, हमें क्वेश्चन से नहीं मतलब है, हमें इस चीज का, अगर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, देखो सिंपल है कि इसका स्लोप बताओ, तो देखो स्लोप हमारे पास लाइन दिया कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो, स्लोप देखो मैं दो वे से बताया था, दोनों वे से बताता हूँ, ax प्लस by इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0 भी हो, कुछ भी हो, तो इसका स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई बी, प्लस माइनस का मतलब प्लस सी पॉजिटिव भी और निगेटिव भी हो सकता है, माइनस ए बाई बी। तो जैसे देखो इसका अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो माइनस ए, माइनस ए ए ए बाई बी माइनस ए, यानी कि फोर में माइनस लगा दिया और बाई बी, बी क्या है थ्री, स्लोप क्या मिल गया, माइनस फोर बाई थ्री, इतने शॉर्ट अप्रोच से कर लोगे, ठीक है। और नहीं तो मैंने एक और बताया था कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो और यहाँ से आप स्लोप, एम क्या होता है स्लोप, तो यहाँ से भी जनरेट कर सकते थे, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अगेन मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, तो बहुत तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। जैसे देखो अब डिटेल्स में तो आपको पूरी की पूरी डिटेल डीप नॉलेज चाहिए, तो आपको क्लास 11th के पूरे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उतना एसएससी पूछता नहीं है, जितना पूछता है वो चीज़ मैं आपको करा दे रहा हूँ। जैसे देखो तो इसके स्लोप के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y वाले को एक साइड रखो, 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4x। तो अब देखो 3y इज इक्वल टू एम एक्स यानी कि माइनस 4x
इसको मैं प्लस 12 ऐसे लिख देता हूँ, वाई इसको रख देता हूँ क्योंकि हमें चाहिए क्या इस फॉर्म में, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 माइनस 4 बाई 3 एक्स प्लस 12 बाई 3, यानी ये क्या बन गया वाई इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 एक्स प्लस 4, यानी यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी, यानी m की वैल्यू स्लोप कितना मिल गया, स्लोप मिल गया माइनस 4 बाई 3, स्लोप कितना मिल गया माइनस 4 बाई 3 और इंटरसेप्ट c की वैल्यू कितनी मिल गई 4, मैंने स्लोप ही की ही बात किया था, तो स्लोप देखो यहाँ से आप एक लाइन में निकाल सकते हो या इस तरह से अप्रोच करके भी आप निकाल सकते हो, आंसर का वैल्यू क्या आएगा सेम, इसीलिए मैंने सारा कंडीशन आपको बता दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कर रहा है, देखो एक एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आपको स्लोप फाइंड आउट करो, हमारे पास दिया है रूट थ्री वाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू 5, हमने बताया था स्लोप के लिए क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो, स्लोप क्या होता है माइनस ए बाई बी, तो देखो ए एक्स चाहिए यानी कि ये पहले लिख लूँ माइनस थ्री एक्स प्लस रूट थ्री वाई, इस 5 को माइनस इधर ले जाऊँ इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में बन गया ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होता है स्लोप होता है माइनस ए बाई बी, यानी कि क्या ये देखो ए है ए की वैल्यू है माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री बाई बी, बी की वैल्यू कितनी है रूट थ्री, यानी क्या हो गया थ्री बाई रूट थ्री, थ्री बाई रूट थ्री, थ्री बाई थ्री बाई रूट थ्री को इस तरह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो रूट थ्री से, तो क्या हो जाएगा थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल यानी क्या हो जाएगा रूट थ्री, एम की वैल्यू क्या हो गई रूट थ्री, और मैंने बताया था एम कितना होता है स्लोप कितना होता है, मैंने अगेन बताया था स्लोप क्या होता है टैन थीटा, बार बार बोल चुका हूँ, तो टैन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है टैन 60 डिग्री, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री, और यही आपका क्या कहलाता है स्लोप। ये तो हमारा शॉर्ट अप्रोच था, अगर आप करना चाहते हो लॉन्ग अप्रोच तो भी आप कर सकते हो, वाई इज इक्वल टू मैंने बताया था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ला दो, जैसे देखो रूट थ्री वाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू 5 हो, मैंने बोला था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में निकाल दो, रूट थ्री वाई वाई सारे को इधर भेज दो क्योंकि एम एक्स प्लस सी में लाना है, तो थ्री एक्स प्लस 5, अब देखो वाई इधर सिर्फ वाई चाहिए तो हमें वाई लिख दिया, वाई लिख दिया तो क्या थ्री बाई रूट थ्री एक्स प्लस 5 बाई रूट थ्री, अब कंपेयर कर दें वाई इज इक्वल टू होता क्या है एम एक्स प्लस सी, यानी हमारे पास m की वैल्यू चाहिए थी, m की वैल्यू क्या हो गई ये हो गई, कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो गई 3 बाई रूट थ्री, अब मैंने अगेन बताया था इसको 3 बाई रूट थ्री को डायरेक्ट लिख सकता हूँ रूट थ्री, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, तो m क्या होता m क्या आ गया रूट थ्री, और रूट थ्री क्या होता है m क्या होता है tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई रूट थ्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या tan 60 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, दोनों वे समझा दिया, आपको जो मेथड सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है कि हमारे पास दो लाइन दे दिया जाए, जैसे हमारे पास एक ये लाइन है और दूसरा ये लाइन है, हमारे पास एक लाइन ये है और ये है, इस लाइन का स्लोप भी फाइंड आउट है, इस लाइन का ये वाला जो लाइन है इस लाइन का स्लोप क्या दिया हुआ है m1, और इस लाइन ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है m2, स्लोप आपको पता ही है, और इनके बीच का एंगल जो है वो दिया हुआ है थीटा, तो जो हमारा थीटा, तो ये थीटा एंगल निकालना है दोनों के बीच का एंगल, तो वो फार्मूला हम यूज करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू मॉड, यहाँ पे हमेशा याद रख लेना मॉड हम यूज करते हैं मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2, ठीक है, वेयर m1 इज द इस लाइन का स्लोप, m2 इज द इस लाइन का स्लोप, ठीक है, तो ये फार्मूला और यही फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दूसरा चीज क्या है, दो चीजें और याद रख लेना, एक लाइन है और दूसरा लाइन है, लाइन वन एंड लाइन टू, इस लाइन का स्लोप अगर m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, और दोनों लाइन क्या है एक दूसरे से पैरलर है ना, पैरलर, पैरलर का मतलब समानांतर है, समानांतर है दोनों लाइन पैरलर हैं, अगर दो इफ l1 पैरलर टू l2, मतलब दो लाइन पैरलर हो तो उनका स्लोप क्या होता है m1 इज टू m2 स्लोप इक्वल होता है,
लेकिन वहीं दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएं, एक लाइन ये L1 है, ये लाइन क्या है L2, इसका स्लोप M1 और इसका स्लोप M2, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है, दो लाइन इफ L1 परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, L1 परपेंडिकुलर टू L2, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो इनका स्लोप क्या होता है M1 इन स्लोप का प्रोडक्ट M1 इंटू M2 इज इक्वल टू माइनस वन, यानी अगर M1 निकालना है तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई M2, अगर M2 निकालना है तो माइनस वन बाई M1, कब, ये जब परपेंडिकुलर का केस हो तब, यानी यहाँ पे देखो पैरलर का केस है तो स्लोप क्या होता है इक्वल, ऐसे याद रखो पैरलर का केस है, दो लाइन पैरलर तो उनका स्लोप क्या होता है इक्वल, अगर परपेंडिकुलर है L1 परपेंडिकुलर स्लोप लाइन तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है M1 इंटू M2 का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस वन, ये चीज़ें आप माइंड में याद रख लो, बहुत ही काम आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ये दोनों दो लाइन दिया हुआ है, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करो, मैंने अगेन अभी फार्मूला बताया था, दोनों लाइन अगर इसका स्लोप M1 है इसका स्लोप M2 है, इन दोनों के बीच थीटा एंगल है, तो टेन थीटा हमने निकाला था मॉड M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2, तो देखो इसमें हम करते हैं x माइनस वाई रूट थ्री इज इक्वल टू फाइव, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से मैंने स्लोप बताया था, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है माइनस ए बाई बी, माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वन दिया हुआ है, तो माइनस वन डिवाइडेड बी, बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है थ्री, थ्री में भी निगेटिव दिया है तो क्या हो जाएगा माइनस रूट थ्री, यानी कितना मिल गया वन बाई रूट थ्री। उसी तरह रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन है, इक्वेशन सेकंड मैंने बताया था, इस तरह से बताया था ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस सी इज इक्वल टू जीरो हो तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। सेम इसमें भी लगा दूं एम टू, इस लाइन का स्लोप मैं मानता हूं एम टू, एम टू क्या हो जाएगा माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी का मतलब क्या, ए की वैल्यू कितनी है रूट थ्री यानी कि माइनस रूट थ्री, बी की वैल्यू कितनी है वन, यानी इक्वेशन मिल गया फर्स्ट और सेकेंड। देखो अब मैं इरेज कर देता हूँ सारा चीज़ों को, इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। जैसे देखो अब हमें दो लाइन, देखो दोनों का स्लोप मिल गया, एक का स्लोप M1 कितना आया, M1 आ गया ये 1 बाई रूट थ्री, M2 कितना आ गया, M2 हमारे पास आ गया माइनस रूट थ्री। अब फार्मूला लगा दूं, दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू M1, M1 कितना है 1 बाई रूट थ्री माइनस M2 कितना है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस वन प्लस एम वन, एम वन कितना है वन बाई रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री। अब देखो माइन ये दोनों कैंसिल हो गया, नीचे देखो वन, ये नीचे क्या है ये वन है और ये कितना होगा माइनस वन, नीचे वन माइनस वन कितना हो गया जीरो, ऊपर कुछ भी रहे किसी भी डिवाइडेड भागे जीरो हो तो वो क्या होता है अनडिफाइंड, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर कहीं भी कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो आ जाए तो वो क्या होता है अनडिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट बोलते हैं, तो टेन थीटा इनफाइनाइट, तो कब थीटा इनफाइनाइट होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री इनडिफाइनाइट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा ना वन और इधर नीचे माइनस वन, यानी ऊपर कोई भी नंबर है डिवाइडेड बाई जीरो क्या होता है इनफाइनाइट बोल लो या अनडिफाइंड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अनडिफाइंड कब होता है, टेन अनडिफाइंड कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, इनफाइनाइट सेंस में नहीं बोला जाता अनडिफाइंड बोला जाता है, तो टेन थीटा टेन 90 कब होता है अनडिफाइंड, 90 डिग्री पे ही अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पहले मैं आपको चीजें बता दूं कि दो लाइन इफ टू लाइन्स आर पैरलर हो, पैरलर हो, पैरलर का मतलब क्या है उनका स्लोप इक्वल, जैसे हमारे पास कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वन लाइन है और दूसरा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टू लाइन है, दोनों लाइन पैरलर हैं क्यों, क्योंकि इनका स्लोप क्या है माइनस ए बाई बी और इनका भी स्लोप क्या है एम टू इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, दो लाइन पैरलर होते हैं जब उनका स्लोप क्या हो इक्वल हो, यानी ऐसे भी अगर ये नहीं सेंस लिखना है तो भी बोलो कि ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई जहाँ भी दिखे तो क्या होगा पैरलर लाइन होगा, तो अगर मैं बोल दूँ दो लाइन इस तरह से पैरलर दिए हैं और मतलब ये दिया हुआ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वन, दूसरा लाइन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टू, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है जिसको बोलते हैं हिंदी में लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी मैं
पी लिख देता हूँ, पी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या होता है, मॉड में होता है सी वन माइनस सी टू, ये वाला सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ याद रखना। और वही चीज़ ये लिखी गई है ए एक्स प्लस बी वाई इजक्वल टू सी वन, ए एक्स प्लस बी वाई इजक्वल टू सी टू। तो लंबवत दूरी ये वाली डिस्टेंस कर रहा है क्या होगा, तो सी मॉड, यहाँ पे मॉड में लिखना है मॉड सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई इसका कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशेंट का स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, मैं अब इसको चेंज कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट था जो मैं बता दिया। जैसे हमारे पास दिया हुआ कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन वन। दूसरा क्या दिया हुआ है 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, दोनों के बीच का लंबवत दूरी। तो हम चेक करेंगे, पहले इसको इस फॉर्म में भी लाएंगे क्योंकि ax और by सेम करना है। तो इस लाइन को मैं कर दूँ कुछ, दो से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, बोथ साइड दो से डिवाइड कर लिया, इक्वेशन सेकेंड इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब देखो हमारे पास लाइन क्या आ गया, फर्स्ट लाइन क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 फर्स्ट, सेकेंड क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 सेकेंड। अब हमें लंबवत दूरी डिस्टेंस मैं p मानता हूँ कि डिस्टेंस दोनों के बीच क्या बताया था सी वन माइनस सी टू, हमारे पास यही था सी वन माइनस सी टू 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया 16 और प्लस बी स्क्वायर 9, यानी कितना मिल गया 9 7 16 होता है, यहाँ ऊपर हो गया 7 और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 16 9 25 25 का रूट कितना हो गया 5, यानी p की वैल्यू क्या मिल गई, लंबवत दूरी क्या हो गई 7/5। p मैं क्या बोल रहा हूँ, दूरी को डिपेंड, दूरी को दर्शा रहा हूँ, आप p मान लो x मान लो डजंट मैटर, ये तो सिंबल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चीज़ें फाइंड आउट हो गई कि 7/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी था। जैसे हमारे पास कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है, कोई एक लाइन दी हुई है, कोई एक लाइन दिया हुआ है क्या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहा है कि ये वाला डिस्टेंस मान, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी यहाँ से देखो ये इस लाइन इस पॉइंट से सॉरी ये लाइन नहीं है इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं P है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल, देखो कैसे होता है मॉड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मतलब ये वाली दूरी क्या होती है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड ए, ये लिखा हुआ ए एक्स के जगह पे एक्स वन रख दो, ए एक्स वन प्लस बी वाई के जगह पे क्या रख दो, यहाँ पे वाई है तो वाई वन रख दो, और प्लस सी को ऐसे ही रख दो सी डिवाइडेड बाई इनका कोफिशियंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये चीज़ याद रखो, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट दिया हो, यहाँ पे देखो पॉइंट दिया हो 3, 2, हमारे पास एक लाइन दी हुई है, किसी बिंदु और लाइन के बीच का लंबवत, हमारे पास एक लाइन दे दिया गया, क्या लाइन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 16, और ये कह रहा है कि यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मैंने बताया था, पहले इसको फॉर्म में कर लो 3x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देखो 3x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता, अब देखो फिर ये क्यों इस फॉर्म में बन गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू निगेटिव है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर दूरी, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ निकालने के लिए मैंने बताया था मॉड कर लो ax1, यानी देखो यहाँ पे a है ना, इसको ये लाइन हमारा मेन है, तो x 3 इंटू एक्स वन के जगह पे क्या रखना है ये माइनस 3, एक्स के जगह पे माइनस 3 प्लस 4 इंटू, ये देखो 4 इंटू ये वाला फार्मूला सिंपल इस पे लगाना है 4 इंटू वाई वन, वाई वन कितना है 2। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि ये एक्स वन वाई वन है, बस इतना समझ लो, ये वाले फार्मूला यूज कर लो। और सी, सी की वैल्यू यहाँ पे देखो बुक में गलत ले लिया गया है, बुक में लिया गया है 16, लेकिन सी निगेटिव है माइनस 16 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 3 और बी कितना है 4, इसका स्क्वायर 9 प्लस कितना हो जाएगा 16, यानी पी कितना मिल गया माइनस 9 प्लस 8 माइनस 16 डिवाइडेड बाई
25 25 का क्या हो जाएगा 5, यानी पी बुक में यहाँ पे प्लस ले लिया गया, गलत लिया गया है, क्योंकि सी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, लाइन क्या होती है, ये लाइन। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ तो -25 + 8 डिवाइडेड बाई 5, ये पी होगा, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25 में से 8 घटा लो तो 8 7 कितना होता है 15, यानी कि -17 डिवाइडेड बाई 5। और मैंने बताया था मोड इसलिए लगाया गया कि मोड में निगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 17/5। बुक्स में यहाँ पे गलत दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे 16 ले लिया गया, लेकिन निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि इधर मैं इसको लाऊंगा निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको माइंड में सोचनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, इस तरह से आंसर हो जाएगा, इसीलिए बुक का आंसर और मेरा आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसके बाद हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होता है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपको मिरर इमेज के हैं, जो मिरर इमेज के क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपको SSC CHSL में, वो आपको मैं पूरा क्वेश्चन में ही कंप्लीट करा रहा हूँ। मिरर इमेज बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जैसे अगर कुछ नहीं भी तो मैं वो लास्ट कॉन्सेप्ट बता दूं जो इस बुक्स में नहीं दिया, वो भी कॉन्सेप्ट आपको करा देता हूं, ताकि आप ये ना कह पाएं कि हमने कोई चीज़ किया नहीं। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूं। देखो मिरर इमेज का, मिरर इमेज के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मिरर इमेज के क्वेश्चन के भी मैं आपको वे बता देता हूँ। जैसे देखो हमेशा याद रखना, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर आपको पता होगा, मैंने XX′ YY′, ठीक है, मिरर इमेज का मतलब क्या है, देखो ये लाइन है, एक्स लाइन है और ये क्या है, वाई लाइन है, और आपको पता भी है कि यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, और वाई क्या होता है, पॉजिटिव, यानी निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, दोनों निगेटिव होते हैं, यानी कि माइनस एक्स और माइनस वाई होता है, और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में होता है एक एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव, यानी कि एक्स और माइनस वाई होता है, और इसी को तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। आपको मिरर इमेज के क्वेश्चन इस बुक्स में नहीं दिया हुआ था, बट मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो हमारे पास कोई भी पॉइंट, क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ, 3 4 कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, कह रहा है कि मिरर इमेज किसके निकालना है, लाइन एलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज निकालना है। तो देखो सबसे पहला चीज, आपको दोनों पॉजिटिव है ना, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, यानी कौन से लाइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 3 और 4, ये समझ में आना चाहिए। जो ये दिया हुआ है वो चीज़ आपको पता नहीं कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब कह रहा है कि मिरर इमेज कहाँ निकालना है, एक्स लाइन के अलोंग एक्स और वाई एक्स लाइन के अलोंग मिरर इमेज निकालना है, यानी कि मिरर इमेज का मतलब क्या है कि जो ये डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे होगा। देखो यानी देखो अब वही चीज़ देखो, अगर ये वाला, ये अब कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट से किस में चला गया, फोर्थ में, क्यों, क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज निकालना था। तो देखो लाइन, अब यहाँ पे आपको पता है कि एक्स और माइनस वाई, एक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 3 होगा, और वाई में क्या चेंजिंग होगा, सिर्फ माइनस वाई, यानी -3, -4, और ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन कर देगा 3, 4 है, मिरर इमेज निकालो, मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट निकालो, मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट निकालो लाइन एलोंग वाई एक्सिस कह दिया, तो वो वही देखो डायग्राम सबसे पहले तो यही बनेगा, ये आपको पता है कौन से कोऑर्डिनेट में है, दोनों पॉजिटिव हैं तो इस कोऑर्डिनेट में होंगे 3, 4, लेकिन अब लाइन किसके, वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है मिरर इमेज, तो वाई एक्सिस कौन सा होता है, ये होता है वाई एक्सिस, इसके अलोंग, यानी इधर जितना डिस्टेंस है उधर ही इतना भी डिस्टेंस होगा। अब आपको सोचो कि इस कोऑर्डिनेट में क्या चेंज होता है, सिर्फ माइनस एक्स होता है, यानी जो 3 था -3 हो जाएगा, वाई में तो कोई चेंजिंग ही नहीं हो रहा है, वाई में चेंजिंग नहीं हो रहा, तो यानी कि 3, 4, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये चीज़ थी आपको मिरर इमेज, आपको चीज़ें पूछी जाती हैं। एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूँ, थोड़ी सी आपको यहाँ पे चेंजिंग करनी जरूरी है। एक और कभी मिरर इमेज आपको ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ दिया कि अगर देखो हमें पूछ दिया कि कोई भी 3, 4 लाइन दिया हो, 3, 4 पॉइंट दिया हुआ है, और कह रहा कि मिरर इमेज निकालना है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग। तो पता था, मैंने आपको बताया था कि y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सा होता है, ये होता है, ये होता है। अगर ये अगर
y इक्वल टू एक्स लाइन के लॉन्ग, अगर ये 3.4 है तो ये वाला डिस्टेंस किस में चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी कि जो देखो ये x में था अब इधर चला जाएगा y इक्वल टू एक्स लाइन के लॉन्ग, तो ये आसानी से कर लोगे, सिंपल सा चीज़ है। अगर यही चीज़ पूछ देता कि y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के लॉन्ग, तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कौन सा होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ये वाला होता है, ये वाला, यानी कि अगर ये 3.4 है, अगर इस लाइन के अलोंग निकालना है तो देखो जो डिस्टेंस इधर है अब ये वाला चीज इतना ये वाला चेंज हो जाता है, ये वाला जो इतना है वही इतना, इस क्वाड्रेंट में आपको कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, तो -3, -4, यानी कि अगर इस लाइन के अलोंग निकालना होगा तो जो एक्स एक्स वाई था वो किस में चेंज हो जाता है, -x, -y, लेकिन इस लाइन के देखो इस लाइन के अलोंग अगर इस लाइन के अलोंग निकालना है तो जो डिस्टेंस इधर है वही डिस्टेंस इधर होगा, और अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या चेंज नहीं होता, सेकेंड क्वाड्रेंट में अब फर्स्ट से सेकेंड आ रहा है ना, यहाँ पे होगा कहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या चेंज नहीं होता, एक्स तो उतना ही रहता है, ये तो समझ में आ रहा है, एक्स कितना रहता है उतना ही रहता है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे देखो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इरेज कर लेता हूँ, जैसे देखो आपके पास यहाँ पे देखो हमने इस तरह से बनाया था कि ये 3.4 लाइन है, 3.4 लाइन है, हमसे पूछ दिया क्वेश्चन, हमसे पूछ दिया कि y इज इक्वल टू एक्स के लाइन के अलोंग, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये है, इसके अलोंग ये पॉइंट था ना, तो इसके अलोंग निकालना होगा, तो आप सोच लो कि इसका मिरर इमेज जितना इधर होगा उतना ही हो जाता है, ऐसे ये क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये चीज़ें अगर पूछेगा भी तो सिंपल सा चीज़ लॉजिक यही है कि जैसे हमने इस लाइन के लॉन्ग निकाला कि ये जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, उसी तरह ये जितना होगा उसका मिरर इमेज कितना बनता है उतना ही बनता है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अपोजिट हो जाता है, सिर्फ अगर मैं बात करूँ, सॉरी यहाँ पर मैं कहीं गलती तो नहीं करा रहा हूँ, एस गलती इसलिए करा रहा हूँ कि ये क्या हो जाता है, -y, -x हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ें क्योंकि यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, जो 3 था वो ये हो जाएगा -4, और ये अगर इस लाइन के अलोंग देखो, चलो मैं फिर से अगेन पूरा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे आप सोच लो कि कोई भी 3 पॉइंट कोई भी लाइन है एक्स वाई कोई भी कोऑर्डिनेट है, अगर कहा कि वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अकॉर्डिंग मिरर इमेज निकाल दो तो वाई एक्स हो जाता है, बस सिंपल सा चीज़, अगर एक्स वाई लाइन है, अगर क्वेश्चन कहा कि वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के अलोंग निकालो तो क्या हो जाएगा -y, -x, बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है, बस इतना। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि 3.4 है, अगर वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग हो तो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग हो तो 4.3 हो जाएगा, अगर 3.4 है, अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के लॉन्ग निकालना है तो क्या हो जाएगा -4, -3 होगा, और एक बार इसको मैं आपको क्लियरिफाई भी कर दूंगा बुक्स में चेक करके कि क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये आपको इतना डिटेल्स पूछेगा नहीं, क्योंकि ये आपको 11th-12th का पार्ट है, अगर पूछ देता है तो आप इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराया, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगेन मैं बता दूं कि 100% आपको क्वेश्चन बनते हैं, आपको एसएससी में क्वेश्चन बनते हैं CHSL एग्जाम में, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझा दूँ, और हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है 25 क्वेश्चन में से, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। इस तरह से ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हुआ, मैं नेक्स्ट में आपको ज्योमेट्री भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थैंक यू, बाय बाय।